जय माता दी। आज द्वितीय नवरात्र है और आज के दिन माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेद स्तत्वम तपो ब्रह्म, यानी वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे लगातार भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वे अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से ब्रह्मचारिणी माँ का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूर्ण हुई। मां दुर्गा जी का ये स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी मां की कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र इस प्रकार है, दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु, देवी प्रसिद्ध तु मई ब्रह्मचारिणेनुत्तमा। आज के दिन किसी भी वस्तु का लालच ना करें और अपने हृदय में त्याग की भावना अपनाए रखें। जय माता दी।